हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू डूइंग वेल। आज मैं एक ट्रिमर का रिव्यू करने जा रहा हूँ, ट्रिमर का रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Hey guys, तो आज मैं ये नोवा का ट्रिमर अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। अनबॉक्स नहीं, इसे रिव्यू कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मैंने इसे मॉल से परचेस किया। और ये नोवा की कंपनी बहुत से आप लोगों ने देखी होगी, ये बहुत सारे नोवा चाइनीज प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन ये वाला ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने ये मतलब मॉल से लिया है। और ये 400-500 के बीच में मुझे पड़ा है। गाइस, इसमें नोवा का ट्रिमर है, इसमें आपको एक केबल, चार्जिंग केबल मिलता है, और इसमें ये ब्रश है, दो कॉम्ब है, और बस। चलिए अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या है। गाइस, देख सकते हैं आप, ये टेम्पलेट है इसका, और ये चार्जिंग केबल है, जैसे कि देख सकते हैं आप। साइड में रखते हैं मुझे, ये कॉम दिए हैं इसमें, ये पता नहीं क्या है, ऑयल जैसा, और ये हमारा ट्रिमर, ये देखिए पूरा स्टील बॉडी है। और इसको मैंने यूज़ किया है, आपको मैं फिर दिखाऊंगा कि कैसा काम करता है। और अभी तक मैंने चार्ज नहीं किया है, अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस है इसकी। और ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये चार्जिंग लाइट है, और यहाँ पर जो है चार्जिंग पोर्ट है, जो इस वायर से चार्ज होता है। गाइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इस तरह के चाइनीज़ मतलब कॉपी प्रोडक्ट्स भी बहुत मिलते हैं मार्केट में, तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा लोकल है। तो ये मेरे पास जो है ये ओरिजिनल वाला है, तो इसका बिल भी है और इसकी एक साल की वारंटी भी है। आप ले सकते हैं इसे, अगर कहीं से भी लें तो एक ब्रांड मतलब अच्छी शॉप से लें या मॉल से लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्ट्रीट पे भी ऐसे नोवा के बहुत सारे चाइनीज़ फेक प्रोडक्ट बेचते हैं लोग। बट ये ठीक ठाक है, अभी तो मैंने यूज़ किया। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ये और भी वीडियोस आएंगे, और भी चीज़ों के मैं रिव्यू करूँगा। आज के लिए बस इतना।